गुरुग्राम में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिविल अस्पताल में बत्ती गुल के मामले में कई घंटों तक बिजली न आने के मामले में जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। अस्पताल में किस तरह से बिजली नहीं आ रही थी, पहली बार में 21 घंटे तक बिजली गुल रही थी और फिर अगले दिन कुछ घंटों के लिए बिजली जरूर आती है लेकिन फिर 4 से 5 घंटे के लिए बिजली फिर गायब हो गई थी। इस मामले को लेकर अब खबर का बड़ा असर हुआ है। बाकायदा अस्पताल में अब बिजली के नए उपकरण भी लगाए गए हैं। बिजली घर में पैनल समेत नया CTPT लगाया गया है। 380 KVA जनरेटर सेट लगाया गया है। 320 KVA जनरेटर सेट लगाया गया है। सिविल अस्पताल में 160 KVA जनरेटर भी लगाया गया है। तो जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से अस्पताल में बिजली न आने की वजह से मरीज परेशान थे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, फाइनली कमेटी का गठन किया गया है, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरह से गुरुग्राम जबकि हेल्थ हब के रूप में जाना जाता है गुरुग्राम शहर को, लेकिन इसके बावजूद 21 घंटे सोमवार को और मंगलवार को 5 घंटे से ज्यादा लाइट के कट लगे और जिसके चलते मरीजों को भारी दिक्कत उठानी पड़ी। यही नहीं, यहाँ तक कि जो कि ऑपरेशन किया गया उसमें भी टॉर्च का सहारा लिया गया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बीच अब जिला उपायुक्त ने जो एक्शन लिया है और जी दिल्ली NCR हरियाणा की तरफ से इस खबर को पूरी तरह से प्राथमिकता से उठाया गया था और उसके बाद अब ये एक्शन एक बड़े उस पर पैमाने पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिला उपायुक्त ने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल देवेंद्र, कल हमने इस पे चर्चा भी की थी और BJP प्रवक्ता रमन मलिक ने इसका जिक्र भी किया था कि अगले 24 घंटे में आप देखिएगा इस मामले में कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कमेटी का गठन किया गया है। एक बड़ी बात है कि जी मीडिया की खबर का संज्ञान लेते हुए एक कम से कम कमेटी का तो गठन हुआ, क्योंकि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो संदेश नहीं जाएगा, फिर इसी तरह की लापरवाही होगी। मनु देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस खबर को पूरी तरह से प्राथमिकता से दिल्ली NCR हरियाणा जी की तरफ से उठाया गया था और उसके बाद अब ये एक्शन निश्चित तौर पर बड़े एक संदेश देता है, क्योंकि लगातार हमने इस मुद्दे को दिखाया कि जिस तरह से लोग परेशान हैं और इसके बाद तमाम जो आला अधिकारी थे इस पूरे मामले को लेकर हरकत में आए और उसके बाद अब इस पूरे मामले में जिस तरह से जिला उपायुक्त निशांत यादव ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है और न केवल कमेटी का गठन किया है बल्कि जिला उपायुक्त की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि जिस भी अधिकारी की इसमें लापरवाही रही है उसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम साइबर सिटी गुरुग्राम लगातार जिस तरह से हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और हेल्थ हब के रूप में जाना जाता है, उसके बावजूद एक सामान्य अस्पताल में इतने बड़े समय के बाद जो लगातार किस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी और इतने बड़े लंबे कट बिजली के लगे, तो उसके बाद एक बड़ा सवाल उठता था कि आखिरकार आला अधिकारी क्या कर रहे हैं। और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जिला उपायुक्त ने एक्शन लिया है और ये भी कहा है कि जिस भी अधिकारी की लापरवाही रही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कल खुद CMO जो सामान्य अस्पताल है उन्होंने भी ये कहा था कि 320 KVA जनरेटर का जो अरेंजमेंट है वो किया गया है, इसके अलावा 120 KVA का जो जनरेटर था वो खराब था उसको ठीक कराया गया है, 165 KVA का जो जनरेटर था उसको दुरुस्त किया गया है कि अब बिजली ना जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिन 2 दिनों के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां रही, जिस तरह से परेशानी मरीजों को उठानी पड़ी, उसका जिम्मेवार कौन है? तो उसको मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि इतने बड़े स्तर पर जो कहीं ना कहीं जो लापरवाही रही उस बीच अब जिला उपायुक्त की तरफ से एक्शन लिया गया है और कहीं जिस तरह से अब मरीजों को बाकायदा टॉर्च के सहारे वहाँ डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ा मरीजों को और जो परिजन थे उनको परेशानी उठानी पड़ी, तो उस बीच अब ये कमेटी का गठन और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन, ये एक बड़ी बात है और ये न केवल बड़ी बात है बल्कि इस तरह से जी दिल्ली NCR हरियाणा की तरफ से इस खबर को प्राथमिकता से उठाया गया, बाकायदा आला अधिकारियों को इसमें पूरी सम्मिलितता की गई और उसके बाद अब ये एक्शन एक महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण कदम है गुरुग्राम के लिहाज से,
क्योंकि लगातार जिस तरह से दावे और वादे किए जाते हैं, उन वादे और दावों के बीच इतनी बड़ी लापरवाही और किसी भी अधिकारी के खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जिला उपायुक्त ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल देवेंद्र, और जिमीडिया की खबर के असर के बाद जांच के दो आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बात कही जाती है कि कमेटी का गठन करना तो बहुत ही आसान है। देखिए मनु, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए थे आला अधिकारी, लेकिन खबर दिखाई जाने के बाद अब कमेटी का गठन किया गया है, तो उसके बाद ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब एक बड़ी कार्रवाई सामान्य अस्पताल के आला अधिकारियों पर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से खबर को पूरी प्राथमिकता से दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से उठाया गया था, और उसके बाद अब खुद जिला उपायुक्त जो कि इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थे, यहां तक कि विधायक भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थे, अब ये कमेटी का गठन, और क्योंकि सीएमओ ऑफिस तक इस पूरी खबर का असर देखने ठीक है देवेंद्र, और इस जांच के आदेश के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बन जाती है कि ये कम से कम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे, इस पर आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।